सो गाइस इस बार की फ्लिपकार्ट की बीबीडी सेल और अमेज़न के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर हमने लोएस्ट प्राइसिंग पर आईफोन्स को परचेज किया। मैंने भी आईफोन 15 ऑर्डर किया अपने फ्रेंड के लिए जो कि मुझे कल तक मिल भी जाएगा और आप लोगों को भी आजकल में अपने आईफोन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सेल में आने वाले आईफोन्स के साथ हमने काफी बार ऐसा देखा है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ डैमेज पीस निकल जाते हैं, काफी बार कैमरा के अंदर डस्ट होता है, स्क्रैचेस पड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक कैसे करनी है डिलीवरी लेने से पहले। अब आप ये कहोगे कि हमने गलती सेल के अंदर आईफोन लेके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो चावल के अंदर कंकर पत्थर तो निकल ही जाता, तो ऐसे ही काफी iPhones के अंदर एक आधा पीस अगर डैमेज भी आ जाता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सेल के अंदर सिर्फ डैमेज माल ही बेचा जाता है। किसी किसी को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। अब आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करने को मिले इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जो कि आपको फॉलो करने डिलीवरी लेने से पहले। तो देखो फ्लिपकार्ट के अंदर तो खासकर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम होता है ओपन बॉक्स डिलीवरी। इसका मतलब यह है कि जब डिलीवरी पर्सन आपके लिए आपका आईफोन लेके आएगा तो आपको उसको एक्सेप्ट करने से पहले वो अनबॉक्स करके दिखाएगा और प्रॉपर आपको कंडीशन दिखाएगा कि सब कुछ सही है। अब देखो इस चेकिंग में आपको इतना टाइम मिलता नहीं, डिलीवरी पर्सन भी जल्दी कर रहा होगा कि अगले ऑर्डर को डिलीवर करने जाना, लेकिन आपको अच्छे से अपने आईफोन को टेस्ट करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया था कि जब तक आप सेटिस्फाई ना हो कि आपका आईफोन एकदम सही कंडीशन के अंदर है तब तक आपको ओटीपी या कोड जो भी आएगा ना वो नहीं देना डिलीवरी पर्सन को, अदरवाइज ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। और एक बार अगर आपने ओटीपी दे दिया इसका मतलब वो आईफोन अब आपका हो चुका, डिलीवरी पर्सन का या फिर सेलर का उससे कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको टेस्ट कैसे करना है। जैसे डिलीवरी पर्सन आपको फोन अनबॉक्स करके दिखाएगा आपको फोन अपने हाथ में लेना है। उसके बाद सबसे पहले आपको उसके बैक पैनल को चेक करना है, कोई उसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। एप्पल लोगों को भी अच्छे से देख लेना, वहाँ पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ कैमरा को अच्छे से देख लेना, वहाँ पे काफी बार डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको अच्छे से देख लो, हल्का सा कपड़े से साफ वगैरह भी करके देख लो। नेक्स्ट बार आती है साइड पैनल होता है, इसके ऊपर आपको स्क्रैचेस वगैरह को चेकआउट करना है कि कोई यहाँ पर स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ आप आगे से पेपर को रिमूव करके एक बार फोन को ऑन भी करके देख सकते हो। अब इससे ज्यादा डिलीवरी पर्सन जो है वो रुकेगा नहीं, तो आपको ये काम काफी ज्यादा क्विक करना है। कोई कोई डिलीवरी बॉय होगा जो कि आपको एग्री कर लेगा कि आप फोन ऑन करके सब कुछ चेकआउट कर लो, अदरवाइज यहाँ तक आपको चेक करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर ये सारी चीजें ठीक है, आप सेटिस्फाई है, तो अब आप ओटीपी दे सकते हो डिलीवरी पर्सन को, उसको कर दो बाय बाय, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है। लेकिन आपको भी टेस्टिंग करने में रुकना नहीं है, आपको और भी ज्यादा चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो काफी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको नकली आईफोन दे दिया जाएगा, क्लोन दे दिया जाएगा, तो देखो ऐसा तो आजकल होता नहीं है। फिर भी मैं आपको भी आगे स्टेप्स बताऊंगा जिससे आपको एक्जैक्टली क्लियर पता चल जाएगा कि एप्पल का प्रोडक्ट है या फिर नहीं। तो अब जब आपके हाथ में फोन आ चुका, आपने उसको ऑन करके देख लिया, फर्स्ट सेटअप कर लो फोन का, उसके बाद फोन को चार्जिंग पर लगाकर देख लो चार्जिंग चल रही होनी चाहिए। इसके बाद एक बार डिस्प्ले को भी अच्छे से चेकआउट कर लो, डिस्प्ले में कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई व्हाइट डॉट्स वगैरह कुछ भी नहीं होने चाहिए, एकदम आपका ब्रांड न्यू फोन है तो एकदम वैसा ही आपको पीस मिला होना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज चेक करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको सीरियल नंबर जो है उसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको एप्पल की वेबसाइट के ऊपर जाना है। एप्पल कवरेज चेक करके गूगल पे टाइप करोगे जो पहली वेबसाइट आएगी, वहां पर जाकर सीरियल नंबर को पेस्ट कर दो, एक कैप्चा कोड आएगा उसको डाल दो, देन उस प्रोडक्ट की आपको परचेज डेट भी पता चल जाएगी जो कि उसी दिन की होनी चाहिए जिस दिन आपने अपने फोन को अनबॉक्स किया या फिर उससे एक दो दिन पहले और बाद चल जाता है, वो अपडेट होने में कई बार टाइम भी लग जाता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए 2-3 महीने पहले की डेट है। इसके साथ साथ सेटिंग्स के अंदर सीरियल नंबर के ऊपर ही जो मॉडल नंबर होता है वो भी M से शुरू हो रहा होना चाहिए। M का मतलब ये होता है कि ये ब्रांड न्यू आईफोन है। अगर वहाँ पे N या फिर F होता है तो उसका मतलब होता है रिफर्बिश्ड आईफोन या फिर जो पार्ट रिप्लेसमेंट वाले आईफोन होते हैं वो होते हैं। इसलिए आपका मॉडल नंबर जो है वो M से शुरू हो रहा होना चाहिए। इसके अलावा कैमरा वगैरह को टेस्ट करके देखो, सिम विम डाल के देखो नेटवर्क वगैरह आ रहे, वैसे तो नया ही आईफोन होगा कोई भी ऐसी दिक्कत इसमें आने नहीं वाली। अगर ये सारी चीजों पे खरा उतरता है तो समझ जाओ कि आपका आईफोन एकदम नया है, एकदम ओरिजिनल है, कोई रिफर्बिश्ड आपको आईफोन नहीं मिला, एकदम ब्रांड न्यू ही आईफोन आपको मिला है। इसके साथ साथ अपने आईफोन का बिल और बॉक्स को संभाल के रखना, कल को रीसेल करने के टाइम पे काम आता है या फिर वारंटी क्लेम करने के भी काम आ जाता है। और हाँ, अपने आईफोन को ओरिजिनल केबल और ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अपने आईफोन की बैटरी को मेंटेन रखना है। वैसे बैटरी को कैसे मेंटेन करते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। तो ये कुछ 2-4 चीजें हैं, ज्यादा कुछ आपको टेस्ट करना भी नहीं है, 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी सारी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। वैसे लास्ट ईयर के अंदर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कैसे आपको चेक करना होता है आईफोन ओरिजिनल है या फिर नहीं है, तो वो वाली वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बस मेन चीज जो है वो डिलीवरी लेते टाइम ध्यान रखना कि ओटीपी आपको तभी देना जब आप सेटिस्फाई हो कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो सही आया है, कलर सही है, मॉडल नंबर सब कुछ सही है। इनकेस अगर आपको डिफेक्ट या फिर डैमेज दिखता है फोन के अंदर तो ओटीपी मत देना, उसी टाइम पे वापस भेज देना और कंप्लेन कर देना उसी टाइम पर फ्लिपकार्ट को। और अगर आपको कोई डैमेज जो है वो बाद में मिलता है जब आपने डिलीवरी ले ली, तब आप एप्पल को कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते इस चीज के लिए, पहले आपको फ्लिपकार्ट से ही बात करनी पड़ेगी। वो आपको सोल्यूशन बताएंगे कि वो आपको रिप्लेस करके देंगे या फिर क्या होगा। अगर उनके हाथ में ये इशू नहीं होगा देन आप एप्पल सर्विस सेंटर के अंदर जा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली उनको बता सकते हो। बाकी कोई इशू आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बता सकते हो। और बाकी ये जरूर बताना कि इस बार की सेल के अंदर आपने कौन सा आईफोन लिया, कितने में पड़ा और इसके साथ साथ कौन सा कलर लिया। बाकी अगर ऑलरेडी आपको आईफोन मिल गया तो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आपका नया आईफोन अब आपके हाथ में है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। सो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे किसी कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।